हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं द फन स्पर्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि एक फोन कैसे परचेज किया जाए, तो सॉरी एक बेहतर फोन कैसे परचेज किया जाए जिसमें अच्छे स्पेसिफिकेशंस है, अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन है, अच्छी बैटरी है, तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आपको ऑनलाइन सर्च करके ये फोन परचेस करना है तो आप बहुत सही वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए अंत तक। मतलब मुझे पता है टॉपिक थोड़ा वियर्ड है कि हाउ टू बाय अ परफेक्ट फोन, लेकिन प्लीज पूरा वीडियो देख के इस वीडियो को रिव्यू कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जनरली हम कुछ बाय करने के लिए ऑनलाइन सर्च करते हैं आजकल। तो गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूट्यूब इन सब चीजों को सर्च करने के लिए। गाइज, यूट्यूब हमेशा से एक बेहतरीन सोर्स रहा है कुछ चीजें सर्च करने के लिए। तो मेरा प्रिफरेंस हमेशा यूट्यूब रहता है। तो गाइज, मैं कहता हूं कि टेक चैनल्स जरूर सर्च करनी चाहिए कुछ फोन वगैरह बाय करने से पहले। थोड़ा थोड़ा करके हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक अच्छा फोन खरीद सकते हैं। सो गाइज, टेक्निकल चैनल्स हम सर्च कर सकते हैं या फिर टैग्स आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि टॉप 10 फोन्स, बेटर फोन्स विथ बेटर परफॉर्मेंस, वैसे बहुत सारे ऐसे टैग्स हो गए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। सो गाइज, स्टेप 2, चेक अंथुतु स्कोर द फोन यू वॉन्ट टू बाय। वैसे गाइज, अगर आपको पता हो क्या है अंथुतु स्कोर, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। अंथुतु स्कोर एक टेस्ट चेकिंग ऐप है, मतलब टेस्ट चेकिंग ऐप नहीं कह सकते, एक परफॉर्मेंस चेकिंग ऐप है। सॉरी, फोन जो हम परचेस कर रहे हैं तो उसको पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके मार्क्स कितने हैं। तो अंथुतु एक ऐसी ऐप है जो हमको बता देगा कि उस फोन के मार्क्स कितने हैं। सो गाइस, अंथुतु स्कोर अगर किसी फोन के 1.5 लाख से ज्यादा है, सो दिस वुड बी अ बेटर फोन टू बाय। अगर किसी फोन का अंथुतु स्कोर चेक करना हो, सो गाइस फोन हमारे पास तो है नहीं, सो गाइस सीधा गूगल कर लीजिए। फॉर इंस्टेंस, अंथुतु स्कोर ऑफ रियलमी एक्स, सो आपको पता चल जाएगा। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज चेक अ वेबसाइट टू बाय अ फोन। पर्टिकुलर वेबसाइट है मेरे पास अगर आपको फोन परचेस करना हो तो। गैजेट 360 इज अ वेल नोन ऑथोराइज्ड वेबसाइट बाय NDTV। गाइज, वहां पे आप बहुत से रिव्यूज चेक कर सकते हैं फोन में। बड़े बड़े टेक रिव्यूअर्स वहां पे अपने फोन, मतलब जो भी नए फोन्स रिलीज होते हैं उसके रिव्यूज वहां पे जाके छोड़ते हैं, तो आपको जरूर चेक करना चाहिए वहां पे जाके एक बार। क्यों ना एक बार प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूं। सो गाइज, व्हाट यू गोना डू फर्स्ट इज सर्च गैजेट 360 इन द गूगल। जैसे आप सर्च करोगे, आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक लिंक मिलेगी नीचे, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक। उसके बाद में आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख सकते हैं। वैसे गाइस डोंट वरी, ये मैं मोबाइल में ही स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब आपके मोबाइल में भी यही दिखेगा, क्योंकि ये इनकन्वीनियंस ना हो इसलिए मैंने ये टेढ़ा रखा है। ओके, सो प्लीज क्लिक ऑन दैट एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं गैजेट 360 के बाद में नीचे जो थर्ड ऑप्शन है गाइड, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सो गाइस, जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको बेस्ट मोबाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, सो प्लीज क्लिक ऑन दैट। आफ्टर दैट जस्ट स्क्रॉल डाउन लिटिल बिट एंड यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट रेंज ऑफ मोबाइल्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द बेस्ट फोन्स मीन्स स्मार्टफोन अंडर 20,000, और उसके नीचे 15,000 और आप देख सकते हैं 10,000, 8,000। फॉर इंस्टेंस, आप बेस्ट फोन अंडर 30,000 इन इंडिया राइट नाउ, वहां पे क्लिक कर दीजिए। सो गाइज, एक और पेज लोड होगा और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको फोन्स की लिस्ट मिल जाएगी राइट हियर। ओके, सो सेम थिंग आपके वहां पे भी दिख रहा होगा। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं ये, वैसे गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो गैजेट 360 के टेक रिव्यूअर्स होते हैं उनके द्वारा दी गए ये फोन्स होते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई फ़ोन पता है, सो आप डायरेक्टली गैजेट 360 के जो सर्च बार है वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको सेम रिव्यूज़ जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ आप वहाँ पे वो मिल जाएगा। सो गाइज, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिस्ट है और ये सेम फोन्स की लिस्ट की रिव्यूज़ आपको थोड़ा सा स्क्रोल करने के बाद नीचे मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A70 की रिव्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 दिए गए हैं, राइट।
तो और यहाँ पे डिटेलिंग रिव्यूज़ दी गई है, जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके थोड़े नीचे अच्छी चीज़ें क्या है उस फ़ोन की और बुरी चीज़ें क्या है वो दी गई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं वैल्यू फॉर मनी 7 है, तो आपको ये बहुत ही आसानी रहेगी। वैसे इसके की स्पेक्स भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो गाइज, डिस्प्ले है 6.7 इंचीज लाइक दैट, प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675। सो दिस इज़ वेरी इजी टू सर्च, और आपको ये राइट इन्फॉर्मेशन एक राइट जगह पे मिल जाएगी। सेम एज आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको दूसरे फ़ोन के रिव्यू मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं वीवो V15 Pro। तो यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स लिखी है यहाँ पे, और उसके थोड़ा सा नीचे जाने के बाद उसके रिव्यूज़ मिल जाएंगे आपको, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ आपको हेल्पफुल रही होगी। और जो मैं अभी आपको बता रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि वो चीज़ क्या है। थोड़ा सा बैक जाने के बाद जहाँ यहाँ पे आपको जो सर्च बार दिख रहा है, जस्ट सर्च कीजिए वहाँ पे, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ Realme X, राइट। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, लेकिन मोबाइल में फिट करने के लिए यही एक अच्छा सा तरीका है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme X, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो गाइज, डायरेक्टली आपको जो रिव्यूज़ मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गैजेट 360 रेटिंग इज 9, और उसकी यहाँ पे प्राइस दी गई है। सो आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, दिस इज़ वेरी इजी टू सर्च। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी न्यूज़, रिव्यूज़, प्राइस, वीडियो स्पेक्स, कंपेरिजन्स एंड यूज़र रिव्यूज़ सब दिए गए। तो आप यूज़र रिव्यूज़ में भी देख सकते हैं कि वॉट इज़ स्टफ, वॉट टाइप ऑफ स्टफ़ दिस इज़। और यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं रिव्यूज़, और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद जो हमने वो चीज़ें जो देखी थी डिटेल्ड रिव्यूज़, जैसे कि डिज़ाइनिंग 9 एंड दिस स्टफ। सो आई होप कि ये यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। सो दैट्स इट गाइज, इतने ही मैंने स्टेप्स आपके लिए पर्टिकुलर R&D करके मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ तो मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा वीडियो शेयर भी कर दीजिए, और नीचे कमेंट पे बताइए कि आप और क्या चीज़ें आपको पता है कि बहुत बेहतर रहती है फोन सर्च करने के लिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो मेरे व्यूअर्स को भी पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।